चुंगुल जी इधर देखिए, क्या बात है, यहाँ पे सामने देखिए ना, चुंगुल चुंगुल मैम यहाँ पे चलो साथ में करते। वेट 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 अरे मेरे को तो मोबाइल ही, तुम लोग ये ऐसा पहला अवार्ड है जो मुझे जेन्युइनली बिलीव नहीं हो रहा है कि मुझे मिला है, बिकॉज मुझे फैशन आइकॉन मिला है। सो मेरा मतलब फैशन की बात करेंगे मुझसे तो माई स्टाइल इज़ मोर लाइक यू नो कि बस कम्फर्टेबल रहो, लाइक बीइंग योर ओन स्किन, इट्स लाइक दैट। इसके बावजूद मुझे मिला है सर, मेरी आप ही थैंक यू। एक्चुअली मुझे साड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है साड़ी, साड़ी सूट ये सब बहुत पसंद है। तो ये साड़ी मैंने बहुत टाइम पहले देखी थी, जिसके लिए मुझे ब्लाउज़ नहीं मिल रहा था, तो मैंने मेरी दोस्त से बोरो किया एंड वो आज मुझे मिल गया, तो मैंने बोला चलो आज ये पहन लेता हूँ। मैं वैसी हूँ यार, मैं नहीं प्लान करके रखती हूँ, मेरे को अचानक से जो दिखता है मैं वो पहन लेती हूँ। सो मेरा वैसे ही है। वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग शो है एंड बहुत मज़ा आया था वहाँ पे शूट करने में भी। मतलब ऐसा है कि इफ़ यू आर शूटिंग फॉर 12-13 आवर्स तो हमें बीच में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, बीच में वी गेट मे बी 45 मिनट्स मैक्स टू मैक्स लंच के लिए, सो टाइम ही नहीं मिलता है पूरा दिन, पर इतना मज़ा आता है, ऐसा लगता है ना कि जैसे बस दोस्तों के साथ हो और पिकनिक मनाने के लिए निकल गए, इट्स लाइक दैट। तो अलग ही मज़ा आता है। और प्रोमोज में आई थिंक लोगों ने देखा होगा कि मैंने कैसे कुछ गेम ख़राब किए हैं, सो या बस आई जस्ट होप कि लोगों को वो पसंद आए एंड आई थिंक कि पसंद आएगा बिकॉज इट इज़ वेरी इंटरटेनिंग। नहीं, लॉकअप का तो नहीं, खतरों के खिलाड़ी का अभी तक नहीं। मैं ये बोलूँगी कि मेरा जो भी काम अभी चल रहा है इट्स लाइक कि मैं मोस्टली एक खाली नहीं बैठी हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ ना कुछ कर रही हूँ, स्क्रिप्ट्स पे काम चल रहा है एक दो जगह, सो ज़्यादा मैं बता नहीं सकती यार, प्रॉब्लम वहीं पे हो जाती है। एक तो हाँ मेरे को ना प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं तो अभी बोल दूँगी खुशी खुशी में, बाद में मुझे बोला जाएगा, वो मैं नहीं चाहती। सो मैं ये बोलूँगी यार यार बहुत अच्छा कुछ आने वाला है, ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं खुद एक्साइटेड हूँ बताने के लिए और मैं बता नहीं पा रही हूँ, लाइक जब तक नहीं आ रहे तब तक एंटरटेनमेंट की रात इन्जॉय करो। I would love to do a show with her, पर अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं आएगा, तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी उनका के साथ। मतलब she's a very good actress and I love her since झांसी की रानी, मतलब तब तो मेरी दोस्त भी नहीं थी, तब तो मैं फ़ैन थी उल्का की, अभी मैं फ्रेंड हो गई हूँ तो तब से ही मुझे वो एज अ परफॉर्मर बहुत पसंद है, वो हर एक कैरेक्टर में जो ढल जाती है वो मुझे बहुत पसंद है, सो मैं ऑफकोर्स उसके साथ काम करना चाहूँगी कुछ। I have no idea why I'm getting this award. I don't know. But I'm getting an award. I think kabhi-kabhi kya hota hai ki mujhe lifelong mujhe award show chahiye aur hamesha side pe khade rehke main announce karta tha aur dusre logon ko award deta tha. To pichle 3-4 mahine se mujhe bulaya ja raha hai award function pe, mujhe award diya ja raha hai. Pichle mahine I got television star of the decade. आई थिंक अवार्ड बेसिकली एक टेम्प्ररी फील गुड फैक्टर होता है, जो आपको कोई अगर आपको इज्जत दे रहा है, आपको सराह रहा है आपके काम को, यू शुड गो देयर एंड हम्बली एक्सेप्ट इट एंड जस्ट से सिंपल थैंक यू फॉर व्हाट यू फील लाइक सेइंग। आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हू यूज्ड टू गेटिंग अवार्ड, मुझे नहीं लगता है कि मैं किसी अवार्ड का हकदार हूँ, बट अगर कोई प्यार से बुला रहे हैं और अगर आपके पास उस वक्त टाइम है आप जाइए, उनका फंक्शन अच्छा होता है, आप इतने प्यार से अवार्ड दे। अच्छा ना यार, किसी को मोर बनाया
कृष्णा जी यहाँ पे अर्चना जी राइट में देखो जरा इधर डबल डबल कैमरा इधर 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 जिसपे लाइट है वो वाला कैमरा उसके बाजू वाला भी ये मेरा 6th अवार्ड है और सबसे मेन बात है इस अवार्ड की सबसे खास बात है कि ये ब्रेटलिन जी ने दिया है मुझे जो क्रिकेटर हैं बहुत बड़े क्रिकेटर हैं और बाहर विदेश से आए हैं बताओ तो ये मेरे लिए बहुत बहुत अच्छी बात है थैंक यू सो मच ये अपना इनको ब्रांड्स सॉरी सॉरी काट देना भैया हाँ ब्रांड्स क्या ब्रांड आइकन हाँ ब्रांड आइकन अवार्ड को थैंक यू सो मच जी एक्चुअली नेहा जी ने भी कमेंट हंसने का दिया था क्योंकि उनको भी पता है मेरा नेचर कि मैं थोड़ा चुलबुली हूँ ये हूँ वो हूँ मतलब हाँ बट वो जो सीन है ना मतलब अभी तो प्रोमो में छोटा सा दिखाया जा रहा है बट जब आप देखोगे कि वो सीन वो जो किस किया है वो किस तरह से किया है मतलब ऑफकोर्स यार अर्जुन बिजलानी एक टीवी का नाम है इतना बड़ा हम लोग देख रहे हैं उनके सीरियल हमने काफ़ी देखे हैं और मैं जस्ट एंटर की हूँ तो मतलब मेरे लिए एक था जैसे कि वो एक एक्साइटमेंट था ना जब अनिल कपूर सर बिग बॉस के अंदर आए थे और फिर जब उन्होंने इस तरह से पकड़ा था तो वही वाला फीलिंग थी मेरे अंदर तो वो बहुत बहुत ही अच्छा चीज़ें हुई है वहाँ पे हाँ हाँ रोज की कमी थी जी करेंगे आपका एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है निक्की तंबोली के साथ जी थोड़ा यू नो अनकंफर्टेबल आप दोनों के बीच में कुछ बाय मिस्टेक्स लगा उन्होंने आपका डिसरिस्पेक्ट किया ऐसा आपके फैन को लगता है जिसकी वजह से वो वीडियो काफी वायरल हो रहा है तो आप बताना क्या चाहे मतलब उनको क्या बताना चाहेंगे कि आप लोग एज अ फ्रेंड ठीक है या कुछ बाय मिस्टेक है हाँ कुछ ऐसा नहीं है एक्चुअली क्या वो सीन मैं बताती हूँ क्या हुआ मेरे ना यहाँ पे मस्सा लगा हुआ था और चश्मा वो गोल गोल था उसमें मुझे दिख ही नहीं रहा था कुछ भी और दुपट्टा डला था तो निक्की भैया अच्छे से बन ठन के पूरा रेडी थी तो मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे भी थोड़ा दुपट्टा उपट्टा चश्मा उश्मा निकाल के थोड़ा सा मुझे भी ऐसा करना चाहिए हाँ तो मैंने वो फिर दुपट्टा निकाल दिया और चश्मा वगैरह निकाल दिया ऐसा कुछ नहीं है दोनों में अच्छा खासा बातें हुई हमने इतना एंटरटेन किया सारा चीज़ें मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है वो एक सडनली चीजें होगी कि दुपट्टा निकाला चश्मा लिया ये वो बस ओके मैम जान अर्चना गौतम मैम वहाँ बिग बॉस की बात ना हो ऐसा नहीं हो सकता और वहाँ कुछ ऐसे आपके फ्रेंड हैं जिनके अभी करंटली शो आ रहे हैं जैसे टीना और रत्ता उनके शो आ रहे हैं जो हमेशा आपके बारे में बोलती रहती है ये तो माय गुड बहुत अच्छा लगा इनफैक्ट मैंने शेयर भी किया था और जब मैंने शेयर किया था तो बहुत ज़्यादा मतलब लाइक चीज़ें वायरल भी हुई थी कि मैंने क्योंकि पता है मैं क्या बिलीव करती हूँ ये इंस्टा कुछ लोग होते हैं जो कॉन्शियस होते हैं ओ माय गॉड मैंने अगर किसी की रिपोस्ट कर दी स्टोरी मैं नहीं करूँगा मेरे फॉलोवर्स उस पर ना चले जाए उसके फॉलोवर्स मेरे पे चले ना चले जाए अरे यार क्या करने का आज तुम्हारे पास फॉलोवर्स है कल मेरे पास होंगे कल मेरे पास है तो तुम्हारे पास होंगे फॉलोवर्स बढ़ते रहते हैं आपके एक ओहदे की तरह मतलब आपके काम के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्शियस होने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है ठीक है कोई बात नहीं ना मेरे जितने फॉलोवर्स हैं पहले मेरे स्टोरी पे 10,000 व्यूज आते थे आज मेरी स्टोरी पे 5 लाख 6 लाख व्यूज आते हैं 3 लाख 4 लाख ऐसे आते हैं तो मैंने कितनी ग्रोथ की है मैं उसमें खुश हूँ तो मुझे ऐसा नहीं है मेरे लिए टीना से लेके सब लोग मेरे दोस्त हैं मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये ठीक है थैंक यू देखो मैं अभी तो फिलहाल फोकस कर रही हूँ एंटरटेनमेंट की रात हाउसफुल जो कल से आने वाला है और देश में धमाका मचाने वाला है उसके बाद भी एक शो आ रहा है वो मैं आपको जल्दी बताऊंगी तो फिर मैं मान सकते कि आप भी एक टीवी एक्टर शो के लिए तैयार हो चुकी हैं फुल तैयार हूँ मैं फुल एंटरटेन करने के लिए तैयार हूँ फुल मस्ती करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि बस अभी तो मैं जागी हाँ मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है भैया तुम्हारा क्या चल रहा है चलो थैंक यू सो मच
सॉरी मैम। Thank you everyone. So I am awarded as the most stylist actor. So I'm very, very, very excited, very honored. Thank you. आज के लुक के बारे में यही कहना चाहूँगी, इट्स अ ग्लिटरी ग्लिटरी पैंट एंड जैकेट विथ क्रॉप टॉप। और बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो मुझे पहले मन था कि मैं बाल खुले रखूँगी, पर इतनी गर्मी है सडनली कि मुझे बाल बांधना पड़ा। मैं एक्चुअली मेरे पास कुछ 3-4 प्रोजेक्ट्स आए हैं, आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट इट। क्या है कि इस वक्त मैं सोच रही हूँ मैं ऐसे कुछ करूँ जिसमें लाइक मेरे जो एक्टिंग का कला है वो और ज़्यादा निखर के दिखे। आई कैन बी मोर यू नो, आई वॉन्ट अ मोर चैलेंजिंग रोल इन माई करियर एट दिस पॉइंट। सो आई एम वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। मैं तो यही कहूँगी कि हर चीज़ वो जो 3-4 महीने में होता है वो हमेशा रियल इमोशंस नहीं होते हैं। कभी कभी गेम के लिए किया जाता है, घर में टिकने के लिए किया जाता है। मैं यही कहना चाहूँगी कि हाँ, अगर बिग बॉस में खेलना है तो डेफिनेटली अकेले खेलना है। मुझे पता था कि मैं हर हफ्ते नॉमिनेटेड होंगी, मैं कोई हफ्ते निकल भी सकती हूँ, बट स्टिल मैंने सोचा था मैं अकेली ही खेलूँगी। यहाँ पर टिकने के लिए अननेसेसरी दिखावे की दोस्ती का कोई मतलब नहीं होता है। बहुत बहुत अच्छा लगा, कॉन्ग्रेचुलेशन टू टीना। तो हाँ, बहुत जल्द शादी, मतलब अभी शादी के लिए 2 महीने बचे हैं। 30th को लीगल वेडिंग है, 30th जून, एंड 1st of July को सोशल वेडिंग है। तो हम पहले जर्मन तरीके से कर रहे हैं, उसके बाद हम इंडियन बंगाली तरीके से करेंगे। तो या आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड क्योंकि बस 2 ही महीने बचे हैं। या नहीं, जर्मन तरीका जर्मनी में और इंडियन बंगाली तरीका गोवा में। थैंक यू। आई एम यू नो सो हैप्पी। हमको टीचर, मुझे तो अवार्ड मिला ही है फॉर बीइंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पेरेंट्स बट on social media, but I'm so happy. One second, you want to get down? Okay. Hello. Yeah, good morning. Hello, okay, everybody. Go down. Yeah. Okay, guys. But I'm so happy, like these two guys go in the front. Hello. Go in the front. They have won an award for the most famous child influencers. Of course, बहुत काम करते हैं लोग social media पे, मेरे साथ भी. In fact, इनका नया show आ रहा है, it's going to be really funny. 20 questions with Bella Vienna, right? सो इन्हीं के यूट्यूब चैनल पर है। सो दे बी डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, ऑफकोर्स दे वॉट, मतलब हमारे से ही करते हैं, तो बहुत मज़ा आता है इन लोग को भी, मुझे भी। एंड टुडे वॉज द फर्स्ट अवार्ड दे एवर गॉट, सो इट्स समथिंग रियली एक्साइटिंग फॉर अस। एंड द बेस्ट पार्ट या वर्स्ट पार्ट जो भी कह सकते हो, हमारी नैनी गाँव चली गई, हमारे ड्राइवर गाँव चले, सब एक साथ गाँव चले गए, तो हम शहर में अकेले ही बचे। Yeah, I just want to say, यार, thank you so much for keeping the love pouring in. Really, आप लोग इतना प्यार देते हो, चाहे हम TV करते हैं, फिल्म करते हैं, यूट्यूब करते हैं या व्लॉग्स करते हैं, you all just love, enjoy, and we love it and enjoy too, you know. हम लोग content डालते हैं, हमको भी बहुत अच्छा लगता है. We just want you all to be connected, that's all. Thank you.